दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ प्लेनेट अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है और बाकी प्लेनेट पर क्यों नहीं? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा प्लेनेट अर्थ एक प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर्ड है, जो दिखाई तो नहीं देती है पर एक्चुअल में है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के अस्तित्व का एक आकर्षक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो हानिकारक सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह अदृश्य शक्ति, जो पृथ्वी के केंद्र में गहराई से उत्पन्न होती है, ग्रह की सतह से कहीं आगे तक फैली हुई है और हमारे पर्यावरण को आकार देने और जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और उसके सुरक्षात्मक कार्य को समझने के लिए हमें अपने पैरों के नीचे होने वाली जटिल प्रक्रियाओं में गहराई से उतरना होगा। पृथ्वी के हृदय में एक ठोस आंतरिक कोर स्थित है, जो मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है। इस आंतरिक कोर के चारों ओर एक पिघला हुआ बाहरी कोर है, जो लोहे और निकल से भी समृद्ध है, जो रेडियोधर्मी क्षय और ग्रह के गठन से अवशिष्ट गर्मी से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी के कारण संवहनी गति का अनुभव करता है। बाहरी कोर के भीतर पिघले हुए लोहे की गति थर्मल संवहन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत धाराएं बनाती है। ये विद्युत धाराएं पृथ्वी के घूर्णन के साथ मिलकर विद्युत धाराओं की उत्पत्ति को प्रेरित करती हैं, जिन्हें जियोडायनमो के रूप में जाना जाता है। जियोडायनमो बदले में ग्रह के घूर्णन अक्ष के साथ लगभग संरेखित एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे परिचित उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव बनते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ है, जिससे एक क्षेत्र बनता है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। ये सुरक्षा कवच सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों, जिन्हें सामूहिक रूप से सौर पवन के रूप में जाना जाता है, के साथ साथ अन्य स्रोतों से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणों को विक्षेपित और फंसाता है। इस ढाल के बिना ये ऊर्जावान कण पृथ्वी के वायुमंडल पर बमबारी करेंगे, जिससे जीवन और प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा होगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जीवन की रक्षा करने के प्राथमिक तरीकों में से एक सौर वायु कणों और ब्रह्मांडीय किरणों को ग्रह से दूर विक्षेपित करना है। जैसे ही ये आवेशित कण मैग्नेटोस्फीयर का सामना करते हैं, उन्हें क्षेत्र रेखाओं के साथ मोड़ दिया जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाता है। यहाँ वे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के साथ संपर्क करते हैं, जिससे शानदार अरोरा उत्पन्न होता है, जो आवेशित कणों और वायुमंडलीय गैसों के बीच परस्पर क्रिया की दृश्य अभिव्यक्तियां हैं। आवेशित कणों को विक्षेपित करने के अलावा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष में होने वाले नुकसान को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौर वायु के कण महत्वपूर्ण ऊर्जा और गति रखते हैं, जो मैग्नेटोस्फीयर द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा कवच के अभाव में वायुमंडलीय गैसों को दूर करने में सक्षम है। अरबों वर्षों से चुंबकीय क्षेत्र ने हमारे वायुमंडल की स्थिरता को बनाए रखने में मदद की है, जिससे ये जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी आवश्यक गैसों को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अलावा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फीयर के भीतर आवेशित कणों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे फंसे हुए कणों के क्षेत्र बनते हैं, जिन्हें वैन एलन विकिरण बेल्ट के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से ऊर्जावान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से युक्त ये बेल्ट पृथ्वी को घेरते हैं और अंतरिक्ष मौसम की जटिल गतिशीलता में योगदान करते हैं। जबकि विकिरण बेल्ट उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कणों के बीच बातचीत का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक प्रयोगशालाओं के रूप में भी काम करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ गतिशील परिवर्तन से गुजरता है। ये परिवर्तन, जिन्हें भूचुंबकीय विविधताओं के रूप में जाना जाता है, सेकंड से लेकर सहस्राब्दी तक विभिन्न समयमानों पर हो सकते हैं। अल्पकालिक बदलाव, जैसे सौर गतिविधि से प्रेरित चुंबकीय तूफान, संचार प्रणालियों, पावर ग्रिड और नेविगेशन उपकरणों को बाधित कर सकते हैं। दीर्घकालिक विविधताएं, जैसे कि भूचुंबकीय उत्क्रमण में चुंबकीय ध्रुवों का धीरे धीरे पलटाव शामिल होता है, जिसमें उत्तर दक्षिण की ओर हो जाता है और इसके विपरीत। हालांकि ये उलटफेर भूगर्भिक समय के पैमाने पर छिटपुट रूप से होते हैं, उनके कारण और निहितार्थ चल रहे शोध का विषय बने हुए हैं।